इसराइल के पीएम नेतन्याहू बंदूक के दम पर गाजा से इजरायली बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश जमीनी स्तर पर कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई, बल्कि उनके इस तरीके ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल गाजा से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये आरोप लगे हैं कि IDF की गोलीबारी में कई बंधकों की मौत हो गई। हालांकि IDF ने कभी भी इस बात को नहीं माना कि उसने जानबूझकर बंधकों को निशाना बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि उसने ऐसी घटनाओं को अनजाने में हुआ बताया है, लेकिन अब IDF को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे नेतन्याहू और IDF की बुरी तरह से फजीहत हो सकती है। दरअसल 4 दिसंबर 2024 को IDF ने बंधकों के परिवारों के साथ एक रिपोर्ट साझा की है जिसमें उसने माना है कि इस साल फरवरी 2024 में गाजा के खान यूनिस शहर में उसके हमले से 6 इजरायली बंधकों की मौत हो गई थी। IDF ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि खान यूनिस की एक सुरंग में इन बंधकों को रखा गया था और IDF को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये बंधक इस सुरंग में है और IDF ने इस सुरंग के पास एक एयर स्ट्राइक की थी। IDF का दावा है कि उसके इस हमले की वजह से सुरंग में जहरीली गैस घुस गई और इसके जवाब में हमास के लड़ाकों ने इन बंधकों को गोली मार दी थी, लेकिन गाजा में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें सीधे IDF की गोलीबारी में बंधकों के मारे जाने की बात सामने आई है। इस मामले में ये भी हो सकता है कि IDF ने अपनी गलती छिपाने के लिए इसका दोष हमास के ऊपर मढ़ दिया। आपको बता दें कि IDF ने जुलाई 2024 में इन बंधकों की मौत की पुष्टि की थी। IDF का कहना है कि हमास ने शुरुआत में इन सभी बंधकों को एक सुरंग में ना रखकर बल्कि अलग अलग रखा था, लेकिन जब दिसंबर 2023 में IDF ने खान यूनिस में हमले तेज किए तो इन 3 बंधकों को हम्बंद इलाके की एक सुरंग में शिफ्ट किया गया जहां पर 3 बंधक पहले से ही थे। लेकिन 14 फरवरी 2024 को IDF ने हमास के सीनियर कमांडरों पर एक एयर स्ट्राइक की थी जिसकी चपेट में ये बंधक आ गए। इस हमले को लेकर IDF के एक अधिकारी का कहना है कि हर अभियान की विशेषताएं एक जैसी होती हैं, हम बंधकों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए बेहद ही सावधानी बरतते हैं, यदि हमें पता होता कि बंधक वहाँ है तो हम हमला नहीं करते। आपको बता दें कि IDF का आगे कहना है कि 20 अगस्त 2024 को उसने इन बंधकों के शवों की तलाश के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था और जब ये शव उसे मिले तो उनके शरीर पर गोलियों के घाव के निशान थे। IDF का कहना है कि ऐसी संभावना कम है कि हमास के दूसरे लड़ाकों ने उनकी हत्या की है, बल्कि इसी सुरंग में से हमास के 6 लड़ाकों के शव बरामद हुए थे जिनके शरीर पर कोई भी गोली का निशान या घाव नहीं था। इनकी मौत जहरीली गैसों के संपर्क में आने से हुई थी जिन्हें सुरंग में छोड़ा गया था।